हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर सिटी के नाथूपुर एरिए में। तो जौनपुर सिटी के नाथूपुर एरिए में काफ़ी बड़ा रेलवे विभाग का प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा था, जो कि जौनपुर सिटी और जौनपुर जंक्शन को एक करने का यहां पर लाइनें बिछाई जा रही है, जिसकी दो वीडियो आप तक पहुँचा चुके हैं पहले भी। तो चलिए, यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, क्या क्या हो रहा है, सभी चीज़ें वीडियो में कवर करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको सामने से ये सीधा ये रोड आता है जौनपुर सिटी से कचहरी होते हुए, यहाँ पानी टंकी पड़ेगा, पानी टंकी से सीधा रोड आता है, ये नाथूपुर की तरफ आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर ये बोर्ड इसलिए लगाया गया है कि ताकि अंदर काम चल रहा है और मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे अंडर पास का कार्य प्रगति पर होने के कारण रास्ता बंद कर दिया गया है, आज्ञा से जिलाधिकारी जौनपुर। यहाँ नीचे भी पढ़ सकते हैं, नोट इस मार्ग की जगह पर फाटक संख्या 3B व 2B का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से अभी रोड बंद कर दिया गया है, और रोड बंद करने का कारण क्योंकि आगे काम चल रहा है रेलवे लाइन का, जौनपुर सिटी या जौनपुर जंक्शन को जोड़ने का। तो चलिए आगे दिखाते हैं और क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है, सब चीज़ें हम कवर करके दिखाते हैं, वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आगे ये जो बन रहा है, ये अंडरग्राउंड रोड बन रहा है। ऊपर से जो रेलवे लाइन बिछेगी, और नीचे से ये रोड बन रहा है। तो रोड की चौड़ाई देख सकते हैं, ज़्यादा तो चौड़ाई है नहीं, वहाँ पर पुलिया देख सकते हैं, पुलिया की भी चौड़ाई ज़्यादा लग नहीं रही है। तो वहाँ पर पुलिया है, ये अंडरग्राउंड नीचे से जाने का रास्ता है, इस पार से उस पार, ऊपर से जो है लाइनें बिछाई जाएगी। तो चलिए, वहाँ पर कितनी लाइनें बिछी है कि नहीं बिछी है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सभी चीज़ें हम कवर करके दिखाते हैं, वीडियो में बने रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों, वहाँ उस तरफ चलते हैं, जो कुछ होता है सभी चीज़ें कवर करके हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर मोटा मोटा पत्थर वगैरह पड़ा है, तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर जाने का रास्ता है। और उस तरफ देख सकते हैं, काफ़ी ट्रक वगैरह खड़ी है, और मिट्टी वगैरह, गिट्टी, बालू और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मिट्टी को पूरी तरह से पाट दिया गया है, और रेलवे लाइन को भी बिछा दिया गया है। तो काम यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, काफ़ी स्पीड में, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, हम ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। उस तरफ देख सकते हैं, ट्रेन आ रही है, जो कि वो सिटी स्टेशन वाली लाइन है, वो सीधा जफराबाद जाती है, तो उसी लाइन पर वो मिलेगा। और इस तरफ आपका जौनपुर जंक्शन है, तो उस लाइन पर मिलेगा। तो जौनपुर जंक्शन से वो लाइन वहाँ से जाती है, और उस तरफ वहाँ पर आगे एक फाटक है, वहाँ से होते हुए जाती है जफराबाद स्टेशन पर। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी स्पीड, काफ़ी तेज़ में यहाँ पर काम जो कि चल रहा है रेलवे लाइन का। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि 2024 से पहले यहाँ का काम तैयार हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से काम यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी तेज़ी, काफ़ी स्पीड से काम किया जा रहा है। तो इस तरफ के देख सकते हैं, गिट्टी वगैरह सभी चीज़ें पड़ी है, और उस तरफ के देख सकते हैं, लाइनें वगैरह कुछ बिछा दी गई है। तो थोड़ा हम आगे चल के दिखाते हैं आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं, लाइनें कुल सेंटर से पड़ी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये सारा सामान यहाँ का यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आगे देख सकते हैं, आगे उस तरफ जो कि ये जो लाइनें नीचे पड़ी हुई है, और ऊपर लाइनें लगा दी गई है, मतलब उस तरफ का कुछ कंप्लीट काम दिख रहा है हमें। तो थोड़ा हम और आगे आपको चल के दिखाते हैं, और फिर चलते हैं उसके बाद उस तरफ चलते हैं, उस तरफ का भी दिखाते हैं, उस तरफ कितना काम हुआ है। तो यहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों, लाइनें जो है यहाँ तक रखी गई है, जो कि अभी टाइट वगैरह नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर रखी गई है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लाइनें हैं, दोनों तरफ की रख दी गई है, अभी टाइट वगैरह नहीं की गई। जो यहाँ पर टाइट किया जाता है, वो लगा उगा के कुछ लगाते हैं, उसको जाम किया जाता है, तो ये जाम नहीं है, सिर्फ रखी गई है।
देख सकते हैं, कुछ और आगे तक चलते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा वो नाथूपुर का फाटक है, वो देख सकते हैं वहाँ पर नाथूपुर का फाटक है और लाइन देख सकते हैं पुरानी वाली लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी, तो पुरानी वाली लाइन है तो उसी लाइन में आगे जाके एक पुलिया है, वो पुलिया के पास से ज्वाइंट है और ये लाइन जो नई वाली है उसी पुलिया के पास ज्वाइंट हुआ है और यही तो जफराबाद जंक्शन पर दोनों लाइनें जाके मिलेगी। तो थोड़ा और आगे चल के हम आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ रखा गया है, इस गाटर को रख दिया गया है, अभी इसका लेबल वगैरह करना बाकी है और बाकी जाम वाम करना सब अभी टोटल काम बाकी है, लेकिन काम की बात करें तो काम यहाँ पर काफ़ी स्पीड काफ़ी तेज में इस रेलवे लाइन का काम चल रहा है। तो काफ़ी भाई लोगों का कमेंट आता रहता है कि सिंगल लाइन बनेगी डबल लाइन बनेगी, तो जो है आप देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पर सिंगल लाइन जो कि बन रही है, डबल लाइन नहीं बन रही है, सिंगल लाइन बन रही है। जितना चौड़ा यहाँ पर रोड काटा गया, जितनी ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई रखी गई है उस हिसाब से बीचों बीच में इसको रखा गया है, तो आप देख सकते हैं वो देख सकते हैं वो लाइन देख सकते हैं जौनपुर जंक्शन वाली लाइन है, ये देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक जो पुलिया बनी है वहाँ तक ये जा चुका है और बाद में उस तरफ का कवर करने की कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में किसी और वीडियो में, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी दो वीडियो आप तक पहुँचा चुके हैं उस साइड की और इस तरफ की भी। तो चलिए वापस चलते हैं, वापस चलकर हम आपको वहाँ की कवर करके दिखाते हैं जो कवर करके हमने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि उधर जो है काम चालू नहीं हुआ था तो अब इस वक्त काम चालू हो गया है, काफ़ी काम यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कि वो गाटर पर जो लगता है चूल्हा यहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी रेलवे का सामान पड़ा है और लारियाँ गाड़ियाँ देख सकते हैं कई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। और वहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ बहुत खड़ी है और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, उस साइड पर भी गाड़ियाँ खड़ी है और वहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है जो कि गिट्टी वगैरह ढो के लाती है सब गाड़ियाँ। तो ये देख सकते हैं इधर का भी काम, फिनिशिंग का काम अभी बाकी है, गिट्टी वगैरह अभी डाली जाएगी, जैसे उस तरफ की गिट्टी वगैरह डाली गई है तो काफ़ी दूर पे थे वहाँ पे थे, तो वहाँ से फिर हम वापस आ चुके हैं उसी पुल के पास से जहाँ से वीडियो स्टार्ट किए थे। ये देख सकते हैं ये वो पुल है जो नीचे से रास्ता आने जाने के लिए बनाया जा रहा है, ऊपर से रेलवे लाइन बिछेगी। तो ये देख सकते हैं अभी उसी जगह से हम वीडियो स्टार्ट किए थे उसी तरफ से हम दिखाते हुए उस रास्ते से गए थे वहाँ पर उस तरफ दिखाते हुए यहाँ पर हम आ चुके हैं उस ब्रिज पे, उस पुल पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ से हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये जो बन रहा है नीचे का हिस्सा देख सकते हैं नीचे से आने जाने के लिए और ऊपर से रेलवे चलेगी, इस तरफ का भी अभी काम बाकी है, अभी खुदाई वगैरह का काम इस तरफ हो रहा है, इस तरफ काम बाकी है। और थोड़ा आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं कहाँ तक काम हुआ है। तो ये देख सकते हैं पूरे मिट्टी वगैरह ये सब कुल डली हुई है, ये देख सकते हैं मिट्टी वगैरह डाल के यहाँ पर दबा दिया गया है रोलर द्वारा। तो वहाँ पे देख सकते हैं सामने आपको ट्रेन नज़र आ रही है तो उसी जगह पे जाके मिलेगा, तो वहाँ पे चलते हैं। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं पीछे अभी उसी तरफ से हम आए थे तो देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है और खोदने उदने का जो GCB वगैरह सब वहाँ पर खड़ी है, तो देख सकते हैं। दोस्तों पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर यहाँ तक की वीडियो शूट किए थे, यहाँ तक रोड बना था, इससे आगे का रोड नहीं बना था, तो यहाँ तक का रोड बना था तो यहाँ तक का हम शूट किए थे और उसके बाद आगे जो है आगे जो रोड कंप्लीट हो गया है वो लाइन तक मिल गया है लगभग, हमें यही लग रहा है यहाँ से, तो वहाँ चलने के बाद पता चलेगा। तो देख सकते हैं
और इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी ईंट वगैरह पड़ी है, काफ़ी गाड़ियां यहां पर पड़ी है, जीसीबी वगैरह और रोड रोलर वगैरह ट्रक वगैरह देख सकते हैं, लारियां यहां पर खड़ी है, काफ़ी ईंट वगैरह भी यहां पर रखी गई है। और आगे देख सकते हैं जीसीबी एक आगे है। दोस्तों पिछली वीडियो में हम यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर जो है भट्टा हमने दिखाया था कि भट्टा था, तो ईंटे का भट्टा है, तो इसीलिए ईंटा यहाँ पर जो कि पड़ा है, तो यहीं पर ये ईंटे का भट्टा था जो कि वहाँ से हम दिखाए थे, उस साइड से हम दिखाए थे कि ईंटे का भट्टा है, इसी साइड से ये जाके मिलेगा और सिटी स्टेशन वाले मार्ग पर रेलवे लाइन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ईंटा का भट्टा वगैरह था, यहाँ पर ईंटा का भट्टा वगैरह पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ पर रेलवे लाइन का काम बिछाने का काम चालू है। तो देख सकते हैं ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर ईंटे का भट्टा हुआ करता था जो कि अब यहाँ से भट्टा हट चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पुलिया यहाँ पर बनाई गई है और नीचे भी देख सकते हैं इस साइड नीचे के हिस्से में खुदाई हुई है और उस तरफ भी देख सकते हैं उस तरफ रोड है। तो हो सकता है कि ये जो है खुदाई हुई है, हो सकता है क्या उसी लिए खुदाई हुई है कि नीचे से रास्ता हो उस रोड पे मिलने के लिए जाने के लिए, तो इस तरफ भी रास्ता है तो देख सकते हैं। और इसी पुलिया के नीचे से लोग आने जाना रहेगा, वाहन का आना जाना रहेगा, जैसे सेम वहाँ पर बन रही है वैसे यहाँ पर भी आना जाना रहेगा। तो ये देख सकते हैं उस तरफ मिट्टी वगैरह डाली गई है, अभी उस समतल किया जा रहा है, इस तरफ मिट्टी वगैरह डाल के गिट्टी भी डाल के लेबल कर दिया गया है। और इस तरफ भी देख सकते हैं कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो इस तरफ की भी तैयारी जोरों में चल रही है। और वहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गिट्टी वगैरह उस तरफ पड़ी हुई है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, अब वीडियो पूरी देखें और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो देख सकते हैं उस तरफ गिट्टी वगैरह पड़ी है और लाइन आ चुकी है और यहाँ पर रेलवे का जो गाटर होता है सामान वगैरह भी इस तरफ पड़ा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक हम एकदम लास्ट पॉइंट तक चलेंगे और लास्ट पॉइंट चलने के बाद वीडियो का एंड करेंगे, वहाँ तक दिखाएंगे कहाँ से ये लाइन जुटेगी। दोस्तों एक बार हम पीछे की तरफ फिर से दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरह से गोल गोल काफ़ी गोलाई में घूमते हुए ये लाइन चली आ रही है, काफ़ी गोलाई में घूमते हुए ये चली आ रही है और ये देख सकते हैं ये जाके काफ़ी गोलाई में वहाँ पे जाके मिली हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लंबा टर्नओवर कर पैदल चलकर आ रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। तो देख सकते हैं पूरा सामान इस तरफ पड़ा है और आगे एक फाटक है जो कि बाबूपुर इस एरिया के नाम बताया जा रहा है, बाबूपुर पीलीकुट ऐसे नाम यहाँ का बताया जा रहा है इस एरिया का, तो इसी जगह पर मिलेगा। जफराबाद रोड है ये जफराबाद रोड पीलीकुट बाबूपुर यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, उसी जगह पर ये आके ज्वाइंट हो रहा है और मिलेगा। आगे देख सकते हैं गाटर वगैरह रेलवे का लगाया जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे गाटर वगैरह लगा के इस तरफ का काम ज्वाइंट किया जा रहा है, क्योंकि इस तरफ की ज़मीन जो कि समतल हो चुकी है, गिट्टी डाला जा रहा है, गिट्टी डालने के बाद नीचे जो लगता है वो लगाया जा रहा है, उसके बाद गाटर लगा के पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वर्कर मिस्त्री सभी लोग लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो क्रॉसिंग है और वो जफराबाद वाला रोड है, वो जफराबाद जाता है सीधा। तो आप थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये देख सकते हैं पूरा इसी जगह पर आके ये मिल रहा है, ये देख सकते हैं ये रोड। तो वो जो रोड है वो भी जफराबाद जाके घूम के मिलता है और ये भी जो रोड है ये भी रेलवे लाइन का जफराबाद घूम के जाके मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जहाँ तक हो सका वहाँ तक हम
कवर करके आपको दिखाए हैं और पूरा कवर करने की कोशिश किए हैं, और जहाँ तक जुटेगा वो भी हम दिखाए हैं आपको, जहाँ से जुट रहा है उस तरफ जौनपुर जंक्शन की तरफ वो भी हम दिखा चुके हैं। हमारी दो वीडियो पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर आप नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो है जफराबाद रोड है, जो कि जो वाहन वाला रोड है, जो बस ट्रक वगैरह जाती है तो उस रोड से घूमते हुए जाती है जफराबाद की तरफ, और इस रोड ये जो रेलवे लाइन वाली लाइन है ये भी घूमते हुए जफराबाद जंक्शन की तरफ जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी के निशान को उसको भी जरूर दबाइएगा।